हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलक्सिस प्रोग्राम अंडर दिस प्रोग्राम वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलक्सिस प्रोग्राम द एक्टिविटीज बेनिफिशरीज ग्रुप एंड द दर्गनाइजेशन एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट एनीमिया फर्स्ट लेट्स एनीमिया सबसे मोस्ट टारगेटेड पॉपुलेशन में अगर हमें इमेज किसी की आती है तो वो होती है प्रेगनेंट मदर्स की प्रेगनेंसीज की ठीक है so, सो अगर इंडिया में ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन वन लैक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड मेटरनल डेथ्स पर ईयर होती हैं ड्यू टू एनीमिया अगर कोई एनिमिक मदर को हम देखें तो उसके दो सिनेरियो बनते हैं अगर कोई एनीमिक है तो वो या तो सर्वाइव नहीं करेगा डज नॉट सर्वाइव अगर सर्वाइव किया है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी होगा लो बर्थ वेट बेबी क्यों होगा क्योंकि प्लेसेंटा से मदर से जो ब्लड आ रहा है वो बहुत कम आता है बच्चे को क्योंकि मदर को ऑलरेडी ब्लड की कमी है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती तो वो लो बर्थ वेट बेबी वे� हो जाता है लो अर्थवेट में भी होने की भी दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इधर ही और शी विल डज नॉट सर्वाइव वो सर्वाइव नहीं करेगा अगर इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट देखें तो सिक्सटी पर थाउजेंड लाइव बर्थ इंडिया में मॉर्टालिटी है इन्फेंट की और अगर वो सर्वाइव कर भी गया तो वो मोर प्रोन रहेगा डिजीज़ के लिए क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है क्यों डब्ल्यू कम है ब्लड कम तो डब्ल्यू कम पुअर मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिला जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो मेंटल डेवलपमेंट भी पुअर होगी ग्रोथ फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ भी कम होगी क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे अगर जो सर्वाइव कर रहा है बच्चा वो बेबी गर्ल है तो वो आगे चल के खुद एक एनेमिक मदर बनेगी तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हर तरह के प्रोफाइलिकसिस प्रोग्राम या जो भी सी एस सी पी एस सी सेंटर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटीज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें इस डेथ रेशियो को रिड्यूस करना है ठीक है वॉट इज़ एनीमिया एनीमिया में अगर आप देखोगे तो रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे नॉर्मल को पर्सन में हेल्दी मिलेगा लेकिन अगर किसी को एनीमिया है तो उसको आपको बहुत ही कम रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलेगी ठीक है अनदर अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो रेड अपियरेंस एक्सटीमिटीज होंगी नॉर्मल पर्सन की लेकिन एनीमिक पर्सन की आपको पेल एंड येलो कलर एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगी एनीमिया के अगर और सिम्टम्स की बात करें पर्सन में फील फटीक वीकनेस पेल एंड येलो स्किन रेगुलर हार्ट बीट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस चेस्ट पेन कोल्ड हैंड एंड फीट एंड हैडेक राइट तो ये सब सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे एक एनीमिक पर्सन में सो so, गवर्नमेंट ने क्या किया प्रोफाइल एक्सेस अगेन न्यूट्रिशनल एनीमिया जो न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हो रहा है उसके अगेंस्ट प्रोफाइल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया ठीक है तो इंडिया में क्या है कि इंडिया हैज़ प्रोबली द हाई प्रविलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वुमेन एंड चिल्ड्रन वुमेन और चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा हाई प्रिविलेंस है किस चीज़ का एनीमिया होने का कहाँ इंडिया में अगर हम इसे डेटा के हिसाब से देखें तो आयरन डेफिशेंसी सीन इन ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के अगर सौ के केसेज आप ले लो सौ में से फिफ्टी परसेंट आपको कैसे मिल जाएंगे जो आयरन डेफिशियंसी से अफेक्टेड हैं अगर सौ केसेज आप वुमेन के ले लो रिप्रोडक्टिव लाइफ वाले तो उनके भी फिफ्टी परसेंट लोग किससे अफेक्टेड हैं आयरन डेफिशेंसी एनीमिया से सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया ड्यूरिंग फोर्थ फाइव ईयर प्लान जब चौथा फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुआ उसी के साथ साथ नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैब्स डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड यंग चिल्ड्रेन ठीक है इसमें क्या था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स बनाए गए रूरल एरियाज में किसके अंडर आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम प्रोजेक्ट था जिसका कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उसे इंगेज करा के इस प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन किया गया यह उस दिन की तस्वीर है जब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइल प्रोग्राम द प्रोग्राम एम इज मेनली कह रहा है द प्रोग्राम एम एट सिग्निफिकेंटली यूजिंग द प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इन वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग वुमेंस एंड प्री स्कूल चिल्ड्रंस तो ये तीन मेजर ग्रुप हैं हमारे पास जिनके ऊपर फोकस किया गया इस न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोग्राम में स्पेसिफिक अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या है टू असेस द बेसलाइन प्रिविलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन मदर्स एंड यंग चिल्ड्रन थ्रू एस्टिमेशन ऑफ एच बी लेवल लोगों के एच पी लेवल को डिटेक्ट करके चेक करा कर हम ये डिसाइड करें कि क्या रेट चल रहा है न्यूट्रिशनल एनीमिया का मदर्स और चिल्ड्रेन में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू पुट मदर एंड चिल्ड्रेन विद लो एच पी लेवल ऑन एंटी एनीमिया रिएक्शन ठीक है कितना होना चाहिए टेन ग्राम से लेकर लेस देन एट ग्राम अगर कोई है तो उन्हें एंटीनेमिया रिएक्शन पे डाल देना है कि आप भाई प्रॉब्लम होने वाली है तो इनको ट्रीटमेंट देना जरूरी है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है टू पुट द मदर विद एच लेवल मोर देन टेन ग्राम पर डीएल एंड चिल्ड्रन विद एच मोर देन एट ग्राम पर डीएल ऑन द प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वही चीज़ है कि जो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है यानी कि अब उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देनी है अगर बहुत ही सीवियर है तो इंजेक्शन भी देने जा सकते हैं तो इसलिए हमें उन्हें रख देना है लास्ट जो ऑब्जेक्टिव डाला वो है टू मॉनिटर कंटिन्यूसली द क्वालिटी ऑफ टैबलेट्स जो टैबलेट्स दी जा रही हैं आयरन आरनफोलिक एसिड्स की उसकी क्वालिटी रेगुलर चेक करते रहना है वो एक्सपायर तो नहीं हो रही हैं वो ख़राब तो नहीं हो रही हैं ये देखना है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टारगेट पॉपुलेशन तक तो पहुँच रहा है एंड कंजप्शन जो टारगेट पॉपुलेशन को मिल रहा है वो उसे ले रही हैं या नहीं ले रही हैं इसका भी मॉनिटरिंग करना था देखो इस तरह से कुछ सेटअप लगाए जाते थे अभी भी लगाए जाते हैं सी एस सी पी एस सी सेंटर्स में जहाँ मदर्स को एजुकेट किया जाता है प्रेगनेंट वुमेंस को लैक्टेटिंग मदर्स को और बच्चों के लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ठीक है अनदर ऑब्जेक्टिव टू असेस द पीरियडिकली एच बी लेवल ऑफ बेनिफिशरीज वही जो ग्रुप हैं प्रेगनेट मदर्स लैक्टेटिंग वुमेंस एंड चिल्ड्रेन उनका एच बी लेवल रेगुलरली चेक करते रहना है एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट द मदर टू कंज्यूम द टेबलेट थ्रो रिलेविन न्यूट्रिशनल एजुकेशन उनको न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना है कि हमारी बॉडी में कितनी अभी न्यूट्रिशन में आयरन की ज़रूरत है फॉलिक एसिड की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट भी मैंटेन करनी है और उन टेबलेट्स को भी लेना है और चिल्ड्रन को भी एजुकेट करना है ये आपके पास एक टेबल है इस टेबल को ध्यान से देख लेना वीडियो पॉज करके कि इसमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या रेशियो बताया गया है बात करते हैं बेनिफिशरीज़ की ठीक है तो अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्रेग्नेंट मदर्स लैक्टेटिंग वुमेन चिल्ड्रेन इसमें और थोड़ा स्पेसिफ़िक कर दिया गया है द स्कीम बेनिफिशरीज़ आर चिल्ड्रेन इन वन टू फाइव ईयर्स सबसे पहले तो वन टू फाइव ईयर्स के बच्चे प्रेग्नेंट वुमेंस नर्सिंग मदर्स फीमेल एक्सेप्टर ऑफ टर्मिनल मैथड ऑफ़ फैमिली प्लानिंग ऐसे लोग जो फैमिली प्लानिंग के लिए टर्मिनल मैथड्स यूज कर रहे हैं या फिर आईओडीज इंट्राट्रेन डेथ वाले लोग हैं उन लोगों को देना है क्योंकि इन लोगों में ब्लड लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है द टारगेट बेनिफिशरीज ऑफ स्कीम फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल प्रेगनेंट नर्सिंग मदर्स एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ टोटल वुमेन एक्सेप्टेड टर्मिनल आई ओ डीज़ यानी कि मोर फोकस किया गया किसके ऊपर प्रेग्नेंट मदर्स और नर्सिंग मदर्स की क्योंकि उन्हें आर की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें ब्लड इंक्रीज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके अंदर अभी एक बेबी ग्रो कर रहा है ठीक है तो उन्हें अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए भी और बेबी की ग्रोथ के लिए भी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने टर्मिनल मेथड्स यूज़ किए हैं एम यूज़ किया है आई हो गई है इंट्रा यूट्राइन डेथ्स हो गई हैं ब्लड लॉस हुआ है एबॉर्शन वाले हैं उन लोगों को फिफ ट्वेंटी फाइव परसेंट रेशियो में रखा गया नेक्स्ट है द टारगेट चाइल्ड पॉपुलेशन फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ वन टू फाइव ईयर्स वन टू फाइव ईयर्स के फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन के बच्चों को लिया गया वट आर द एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज की गई इसके अंदर में तो द प्रोग्राम इज फोक ऑन फॉलोइंग एक्टिविटीज फर्स्ट प्रमोशन ऑफ रेगुलर कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन आयरन ऐसे खाने का प्रमोशन करना है ऐसे खाने के बारे में लोगों को एजुकेट करना है या किया गया जो कि फूड रिच हो किसमें आयरन में ठीक है जैसे स्पिनाच पालक उसे लेना होता है नेक्स्ट है द सप्लाई ऑफ आयरन एंड फॉलिट सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स आयरन एंड फॉलिएट सप्लीमेंट्स को टैबलेट्स के फॉर्म में बनाकर फॉलीफर टैबलेट्स बोलते हैं जिन्हें टारगेट ग्रुप तक पहुँचाया गया कुछ इस तरह से एजुकेट किया गया लोगों को निर्मय हेल्थ फाउंडेशन एनीमिया प्रतिबंध आणि नियंत्रण कार्यक्रम ठीक है स्लोगन्स हर तरह से नेक्स्ट इसके अंदर एक्टिविटी क्या थी आइडेंटिफिकेशन एंड रिएक्शन ऑफ सीवियरली एनिमिक केसेस जो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड हैं लोग उन एनिमिक केसेस को आइडेंटिफाई करना उन्हें ट्रीट करना इधर टैबलेट्स की हेल्प से और इंजेक्शन ठीक है नेक्स्ट है द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड रिकमेंड किया गया आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का एडल्ट में 60 एम एलिमेंट्स आयरन एंड 0.5 पॉइंट फॉलिक एसिड दिया गया एंड चिल्ड्रन में 2 एम एलिमेंट्स आयरन एंड 0.1 पॉइंट फॉलिक एसिड दिया गया तो ये आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से कई बार पूछा गया है ठीक है फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स टाइम यानी कि जो इंजेक्शन फैसिलिटी है इंजेक्शन दिया गया तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स टाइम है उन सब चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया आप वीडियो पॉज करके इसको डिटेल्स में देख लेना फिर है सेवन फूड्स टू प्रिवेंट एनीमिया सात ऐसे फूड बताए गए जो एनीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है स्पिनच एप्रिकॉट रॉ ब्रोकली वाटर क्रीज लीव्स मोलेसी बीट जूस एंड गार्लिक ठीक है तो ये ऐसे सात फूड थे जिनमें आयरन एंड फॉलिक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ये एनीमिया को प्रिवेंट करते हैं फिर ये है कुछ इंडिया एनीमिया मुक्त भारत स्लोगन जिसमें मेथड बताए गए कि किस तरह से हम एनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं अगर बहुत सुपरफिशली मैं बात करूँ लेकिन बहुत डीप है कहने को सुपरफिशली है सबसे पहला जांच किया जाए लोगों का एच बी लेवल डिटेक्ट किया जाए चेक किया जाए कौन कौन से लोग अफेक्टेड हैं फिर उनका उपचार किया जाए उन लोगों को आयरन आरएनफोलिक एसिड दिया जाए मेडिसिन दिया जाए खाने में दिया जाए डाइट के थ्रू इम्प्रूव किया जाए उनका HP लेवल बढ़ाना है फिर उसके बाद बातचीत की जाए कम्युनिकेशन किया जाए लोगों को एजुकेट किया जाए रिगार्डिंग एनीमिया प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एंड प्रिवेंशन मैथड ऑल्सो फिर आपूर्ति की जाए आपूर्ति किस चीज़ की दो चीज़ों की सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल फूड है वो अवेलेबल कराया जाए लोगों को एजुकेट किया जाए दूसरा टैबलेट्स ठीक है और उसके बाद डैशबोर्ड यानी कि मॉनिटरिंग करनी है कि कितना हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ क्या रिजल्ट्स हैं कितने केसेस अभी भी बचे हैं और कितनी जरूरत है अभी आगे चल के इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने की ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर में वर्क करती हैं द प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू पी एस सी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड इट्स सब सेंटर्स राइट द मल्टीपर्पज वर्कर्स फीमेल्स जैसे ए एन एम आशा ठीक है एंड पैरामेडिक्स इन पी एस सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स इन एडल्ट एंड पीडियाट्रिक डोज टू बेनिफिशरीज फीमेल हेल्थ वर्कर है है आशा विलेज हेल्थ गाइड है आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ है सीएससी पी एस सी सेंटर और सब सेंटर के तो ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आयरन फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन करें ठीक है द फंक्शनरीज ऑफ आई सी डी असिस्ट इन इम्प्लीमेंट ऑफ़ प्रोग्राम तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का मैंने बताया कि वो लोग ऐड हो गए इंगेज हो गए इस प्रोग्राम के साथ साथ और बच्चों के लिए भी और मदर्स के लिए भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया जिससे कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके अब मेरे पास एक वीडियो है इस वीडियो को आपको देखना है और देखने के बाद इसमें आपको कुछ और एडिशनल बेनिफिट नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या एनीमिया से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिए थे और क्या रिक्वायरमेंट्स है इस एनीमिया प्रोफाइलिस प्रोग्राम की स्टिल फिर भी कोई डाउट होता है फील फ्री टू आस्क दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है इस रफ्तार को कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक की क्षमता को पूर्णतः विकसित किया जाए ताकि वो इस दिशा में अपना शत प्रतिशत योगदान दे सके लेकिन विषमता ये है कि भारत की आबादी के प्रत्येक वर्ग को अनिमिया है अनिमिया एक गंभीर अवस्था है जिसका हमारी शारीरिक वृद्धि बौद्धिक विकास तथा कार्य क्षमता बुरा असर पड़ता है हमारे सामने ये एक बड़ी चुनौती है लेकिन इसका समाधान है अनिमिया की रोकथाम और उसका इलाज संभव है भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में कई हस्तक्षेप किए जा चुके हैं और उसके सार्थक नतीजे भी देखने को मिले हैं हाल ही में शुरू हुए पोषण अभियान का लक्ष्य भी छोटे बच्चों किशोर किशोरियों तथा महिलाओं में सालाना तीन प्रतिशत तक अनिमिया में गिरावट लाना है प्रत्येक भारतीय को स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग की सौगात सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अनिमिया मुक्त भारत का शुभारंभ कर रही है इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक छः बाय निर्धारित की गयी है छह लाभार्थी छह लाभार्थियों में बच्चे किशोर किशोरियां और महिलाएं शामिल हैं। छह गतिविधियां, प्रोफिलैक्टिक आयरन पॉलिक एसिड की पूरकता क्रिमिनाश सघन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान एवं देर से नाल काटना डिजिटल पद्धति द्वारा अनिमिया की जांच तथा पॉइंट ऑफ केयर उपचार सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन पॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का जरूरी प्रावधान मलेरिया पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अनिमिया के गैर पोषक कारकों का निपटान छह संस्थागत व्यवस्थाएं मंत्रालय के विभागों के बीच सामंजस्य राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत इकाई विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता तथा उन्नत शोध केंद्र सप्लाई चेन तथा लॉजिस्टिक्स का सुदृढ़ीकरण अनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल इस अनिमिया मुक्त भारत अभियान में आप हमारे साथ जुड़े भारत को नवीन और जीवंत स्वस्थ और तेज बनाए रखने में अपना योगदान दें। स्वस्थ है भारत अनीमिया मुक्त भारत ठीक है समझ में आ गया कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो थैंक यू सो मच